जब रमजान शरीफ की आमद आमद होती है तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है, मुसलमानों के दिल नूर अला नूर हो जाती है, उनके ईमान की हरारत तेज हो जाती है और अल्लाह ताला की रहमत उन पर मजीद हो जाती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते, तुम भी दुरूद और सलाम भेजो।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े क़यामत मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर दुनिया में जाए की कसरत से दुरूद पढ़ने वाला होगा। रमजान मुबारक में दुरूद शरीफ पढ़ना तो और ही आला बात है, अफजल बात है। अल्लाह ताला हम सब को पिछले जुम्मे पर मैंने रमजान मुबारक के चंद फजाइल और उसके मनाकब बयान कर लिए। आज चंद रोजे के मसाइल बयान करनी है और चंद फजाइल बयान करनी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें सुना के अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इरशाद फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इतना प्यार से अल्लाह बुला रहा है, ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिन वालों, कुतिब अलैकुमुस्सलाम, मैंने तुम पर रोजे लिख दिए, फर्ज कर दिए। तमाम कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सिर्फ तुम पर ही फर्ज किए, हैरान ना हो, परेशान ना हो, कोई ऐसा कमजोर ईमान वाला ये ना समझ बैठे कि शायद ये बोझ हम पर ही अल्लाह ने डालना था। ना ना, अल्लाह फरमाते कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी मैंने लोगों पर रोजे फर्ज किए थे। अल्लाह क्या इसका मकसद क्या है रोजे को फर्ज करने का? फरमा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। आगे इरशाद फरमाया अय्यामन मअदूदात, और लोगों घबराते ही नहीं, किस बात की घबराहट है कि रोजे आ गए, रोजे आ गए, मुश्किल हो गया, परेशानी हो गई, भूख प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ना ना, फरमाया चंद मेरे गिनती के दिन है, मेहमान रमजान, मेहमान की इज्जत करो। मेहमान कितनी देर बैठता है? थोड़ी देर, आधे एक दिन, ज्यादा से ज्यादा दूर से आया दो दिन रह लेगा, तीन दिन रह लेगा। अल्लाह फरमाता है मेरा मेहमान ऐसा है कि मैंने इसको तुम्हारे लिए 30 दिन रखा है। हजूर ने फरमाया कि अगर मेरे उम्मती को ये पता चल जाए कि रमजान के रोजे की कितनी फजीलत है, फरमाया कि मेरा उम्मती ख्वाहिश करे कि सारा साल ही रोजा हो, सारा साल ही रोजा हो। दूसरी रिवायत में फरमाया कि मेरे उम्मती को ये पता चल जाए कि रमजान के रोजे की कितनी फजीलत है, फरमाया उम्मती ख्वाहिश करे सारी जिंदगी रोजे करता रहे, सारी जिंदगी रमजान में गुजर जाए। इस बात पर अल्लाह ने पर्दा रखा है कि रमजान चंद दिनों का महीना, अय्यामुन मअदूदात, आज इसकी 4 तारीख हो गई, चौथा रोजा है। पता चला जिन्होंने रखे हैं उनको नहीं पता चला, जिन्होंने नहीं रखे हो तो दिन गिन रहे हैं, पता नहीं कब ईद का दिन नजर आएगा, चांद नजर आएगा। बहरहाल मैं उनकी बात नहीं करता, अल्लाह उनके ईमान में इजाफा फरमाए, उन्हें भी तौफीक अता फरमाए। मेरे वालिद साहब एक बात सुनाया करते थे कि किसी दरिया के किनारे दो बंदे आपस में बहस कर रहे थे। तीसरे ने देखा, पता नहीं क्यों बहस कर रहे हैं, फरमाया कि जब तीसरा उनके दरमियान में आया, उसने कहा कि एक बंदा इसलिए रो रहा था कि 11 महीने बाद फिर रमजान आ जाएगा, फिर पाबंदियां लग जाएंगी। दूसरा दूसरे से पूछा गया तू क्यों रो रहा है, वो कहता है इसलिए रो रहा हूँ पता नहीं अगले साल जिंदगी अल्लाह रमजान अता करेगा या ना करेगा, मैं होऊंगा या ना होऊंगा, रमजान तो आ जाएगा पर जिंदगी का भरोसा नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूँ। दोनों रो रहे हैं, एक को फिक्र है रमजान के आने की कि पता नहीं जिंदगी में फिर आएगा या ना आएगा, दूसरे को फिक्र है पता नहीं ये अब दोबारा ना आ जाए, 11 महीने बाद फिर आ जाएगा। अल्लाह अल्लाह ताला हमें रमजान मुबारक की फीजो बरकात से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान है कि रोजा इबादत का एक दरवाजा है, रोजा इबादत का एक दरवाजा है। जामे सगीर की हदीस है, दूसरी हदीस में हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला को फरमाते हैं कि हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जब माह रमजान आता है तो इसमें हर सजदा करने वाले को एक सजदे के बदले 1500 नेकियां अता की जाती है। नबी पाक का फरमान सुनिए, सुभान अल्लाह के मानी, सुभान अल्लाह के 9 हरफ है, हर हरफ के बदले 10 नेकियां, रमजान में 1 हरफ कहेंगे तो 1 लाख नेकियां, सुभान अल्लाह एक दफा कहने के बस 1 लाख मरतबा सुभान अल्लाह कहने का, तो क्यों ना कह रही सुभान अल्लाह।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बंदे को 1500 नेकियां मिलेंगी जो इस रमजान में इबादत करेगा सिर्फ एक सजदे की वजह। और आप खुद कैलकुलेशन कर लें कि सुबह की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक, तरावी खत्म होने तक, वितर पढ़ के, नफल पढ़ के आप कितने सजदे करते हैं। उन सजदों की तादाद गिन लें और हर सजदे के बदले 1500 नेकियां हैं फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और हजरत सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि उस बंदे को जन्नत में सुल्फ याकूत का महल अता किया है। सुल्फ याकूत का महल फरमाया, उसके दरवाजे की फरमाइश ये है कि एक दरवाजे की कोने से लेकर दूसरे कोने तक 1500 साल का रास्ता है, उस दरवाजे से उस बंदे को गुजारा जाएगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रवायत है, आपने फरमाया कि रोज़ादार एक जुम्मा दूसरे जुम्मे का उसके गुनाहों का कुफारा बन जाता है, एक रमजान दूसरे रमजान के आने तक उसके सगीरा गुनाहों का कुफारा बन जाता है। शर्त ये है कि वो कबीला गुनाह ना करे। मेरे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रमजान मुबारक में कैदियों को आजाद फरमा देते हैं। कोई भी कैदी आ जाता जंग से तो आपसे आजाद फरमा देते हैं, और दरवाजे पे कोई साइल आ जाए, कोई मंगत आ जाए, उसे आजाद फरमाते हैं। और मैं खाली ना लगाऊ जो है उसे दे, हत्ता के हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में भी सखावत फरमाते थे कि जब रमजान आता किसी को उधार लेकर भी देना पड़ता तो दे देते। ये सखावत का महीना है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमजान मुबारक की पहली रात आती है, एक मुनादी निदा देने वाला, पुकारने वाला पुकारता है कि रोजादारों मुबारक हो, तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक भूख प्यास बर्दाश्त करने पर अल्लाह ताला ये इनाम अता फरमाता है कि तुम्हारी दुआ में 60,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। और फरमाया कि 60,000 दोस्ती जिन पर दौलत वाजिब हो जाता है, हर इफ्तार के वक्त उनको दौलत से आजाद कर दिया जाता है। ये रोजादार के लिए इनाम है। और रोजे का मकसद क्या है कि हर हलाल चीज से रुक जाना, बाज रह जाना, खाना सामने है तो रुक जाना। रोजा अरबी लगत में कहते हैं रुकने को, अपने आप को हर हलाल चीज से रोक लेना। आराम से तो वैसे ही रुकना है, फरमाया हलाल चीज सामने पड़ी है, खाना पड़ा हुआ है, अच्छे से अच्छा खाना पड़ा है, फिर भी अल्लाह ने फरमाया कि मेरी खातिर, मेरी रजा के लिए रुक जा, बाज रह। फरमाया कि रोजादार को शाम को 5 इनाम अता फरमाए जाते हैं। और उनमें फरमाया 5 इनाम कौन थे, रे, मीम, द्वार, अलीफ और नून। रे से मुराद रहमत अता की जाती है, मीम से मुराद मगफरत अता की जाती है, द्वार से मुराद जमानत अता की जाती है, अली से मुराद उल्फते इलाही अता की जाती है, नून से मुराद नूरे इलाही अता की जाती है। ये 5 इनाम रोजादार के लिए थे। और रोजा फर्ज करने का मकसद क्या था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम परहेजगार बने, हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, हमारे अंदर कुव्वत ईमानी पैदा हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजादार का ईमान बड़ा पक्का होता है, बड़ा पक्का होता है। किसी ने अर्ज किया, रोजा कितना पक्का होता है, फरमाया क्या तुमने बिलाल हबशी को इस्लाम की खातिर माल खाते हुए नहीं देखा, सुहेब रूमी को रूम को छोड़ते हुए नहीं देखा, उम्र फारूक को कुफर छोड़कर ईमान लाते हुए नहीं देखा, सदीक अकबर को सदाकत का जामा ओढ़ते हुए नहीं देखा, या अल्लाह देखा है। फरमाया मेरे सहाबा ने जितनी कुर्बानियां दी हैं ईमान की दौर पर दी है, ईमान की कुव्वत की वजह से दी है। अगर ईमान इतना ताकतवर है तो फरमाया कि मेरा मोमन, मेरी उम्मत का मुसलमान रोजे में बड़ा भूखा रहता है, अल्लाह उसके ईमान में बरकत देता है और ताकत आ जाती है उसके अंदर। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या अल्लाह क्या पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे, हम पर क्यों फर्ज किए गए, इसका क्या, इसकी क्या वजह है। मेरे आका ने फरमाया कि जब कोई उम्रा करने वाला उम्रा करता है या हाजी को हज करता है
उतनी देर तक उसका उमरा या हज कबूल नहीं, इतनी देर तक सफा मरवा के साथ चक्कर ना लगा। कुरान कहते हैं इन सफा वल मरवा का मिन शाइदिल्लाह, हमारा फरमाया कि जो सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाए वो अल्लाह की निशानियों के दरमियान चक्कर लगाए। और हजरत हाजरा वलिया कामिला थी, उन्होंने चक्कर लगाए, रब ने कुरान बना दिया उनकी अदा को मोमिनों के लिए मुतबा की उम्मत के लिए लाजिम मंजूम कर। फरमाया कि जिस तरह उम्रे में ये सात चक्कर लगाने लाजिम मंजूम हो गए, इसी तरह हुजूर जब गारे हिरा में जाते और भूखे प्यासे जाते थे और काफी दिन ये मामूल जारी रहा, रब को ये अदा पसंद आई, रब ने अपने महबूब को रमजान का तोहफा दिया। रमजान का तोहफा मिला। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाते बरेली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि कितने साल का बच्चा हो या बच्ची हो तो उस पर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए जाते हैं। तो आला हजरत ने फरमाया बच्चा 8 साल का हो और इतना ताकतवर हो कि 10 साल का लगे देखने में, फरमाया उसको रोजा रखने की आदत डाल दो, उसको प्यार से कहो कि वो रोजा रखे। फरमाया कि जब वो 10 साल का हो जाए फिर रोजा न रखे, उसको डांट के रोजा रखा। जब 4वें साल में दाखिल हो जाए, आला हजरत ने फरमाया मतावा रजिया में कि आप उस बच्चे को मार के रोजे की आदत डाल दो ताकि वो रोजा रखे। इस तरह नमाज फर्ज हो जाती है 7 साल के बच्चे पर। फरमाया 11वें साल में दाखिल हो जाए उसको मार के रोजे की आदत डालो। फरमाया जब बच्चा बालग हो जाए 14 साल का हो जाए तो उस पर रोजा फर्ज हो जाता है, अब उसकी कज़ा भी लाज़िम है। मेरे दोस्तों रोजे के बेशुमार फ़ज़ाइल और मसाइल हैं। शोबुल ईमान में हदीसे पाक है कि रोजा रखने से अगर बंदा कोई बीमार है तो वो भी शिफा जाता है। हजरत अली करम अल्लाह वजह करीम इस हदीस के रावी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल के नबी की तरफ एक वही नाजिल हुई और अल्लाह ने उस वही में ये इशारा फरमाया, ऐ मेरे नबी आप अपनी कौम को खबर दीजिए जो बंदा मेरी रजा के लिए रोजा रखता है अगर वो जिस्मानी तौर पर कमजोर है तो अल्लाह उसे ताकत अता फरमाए। ये पहली उम्मतों पर ये रोजे के अहकाम है। फरमाया मेरी उम्मत अगर बीमार है तो शिफा याब हो जाए, रोजा तो रखे। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अल्लाह की रजा के लिए एक रोजा रखा अल्लाह इसके चेहरे को 70 साल की मुसाफत जहन्नम से दूर कर देगा। जहन्नम से उस बंदे को दूर कर दिया जाएगा जो एक रोजा अल्लाह की रजा के लिए रखे। फरमाया हर चीज की ज़कात है, हर चीज की ज़कात है। फरमाया जिस्म की ज़कात रोजा है, जिस्म की ज़कात रोजा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाया जिसने जानबूझकर रोजा तोड़ दिया, रोजा रखने वाले को तो सवाब है, अब ये बता रहा हूँ जिसने जानबूझकर रोजा तोड़ दिया। हजरत ने फरमाया कि अगर वो सारी जिंदगी रोजे उस रोजे की कज़ा करता रहे वो सवाब नहीं पा सकेगा जो उसने रमजान के रोजे को तोड़कर फरमाया वो सवाब तक नहीं पहुंच सकेगा। तो जानबूझ के रोजा नहीं तोड़ना चाहिए। रोजा सिर्फ ये नहीं कि हमने खाया पिया खाना पीना छोड़ दिया और रोजा है, ना ना। मुफस्सिरीन ने और बुखारी शरीयत में ये बात मौजूद है कि रोजा आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है और हमारे जुबान का भी रोजा है, हमारे हाथों का भी रोजा है, हमारे पाँव का भी रोजा है। आंख का रोजा क्या फरमाया कि इस आंख से अगर कोई चीज देखनी है तो रब का कलाम देखो, कुरान की तलावत को देखो, कुरान के अल्फाज को देखो, हदीसे पाक का मुतालिया करो, वो आंख का रोजा है। फाशा कान की तरफ आंख ना उठे। फिर फरमाया कान का रोजा, कान में कोई गाली गलौज ना तुम्हारे कानों में पड़े, कोई गाना ना तुम्हारे कान में जाए, बल्कि फरमाया कि अगर कोई ऐसा काम करोगे रोजा मकरूह हो जाएगा, सवाब में कमी आ जाएगी। फिर फरमाया कि कान का रोजा ये कुरान से कुरान की तलावत सुनो, अहदीसे मुबारक सुनो, उलमाए इकराम के बयान सुनो, ये कान का रोजा है। और जुबान के रोजे से मुराद फरमाया किसी की कीमत ना करो, चुगली ना करो, झूठ ना बोलो, ये जुबान का रोजा है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ की, आप
ने फरमाया कि एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मोमिनों, ऐ मेरे सहाबा, आज मैं तुम्हें रोजा रखने का हुक्म देता हूँ, जाओ तैयारी करो, रोजा रखो, नफली रोजा रखो। आपने रोजा रखा, शाम हो गई, मेरे आका ने फरमाया उतनी देर तक रोजा इफ्तार नहीं करना जितनी देर तक मैं तुम्हें हुक्म ना दे दूं, इजाजत ना दूं। मगरब की अजान होने वाली थी, सरकार की बारगाह में सहाबा कतार अंदर कतार, बारी बारी आते हैं, इजाजत लेते हैं रोजा इफ्तार करने की। हजरत अंस फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह, मेरी दो बहनें हैं, वो घर में मौजूद हैं और पर्दे की वजह से और हया की वजह से वो आपके पास नहीं आ सकती, उन्होंने भी रोजा रखा हुआ है, अगर आप हुक्म इरशाद फरमाएं तो उनको भी रोजा इफ्तार करने की इजाजत आप फरमाएं। मेरे आका के चेहरे पे नाराजगी के आसार पैदा हो गए। मेरे गैब दान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका रोजा नहीं है, उनका रोजा नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो वो सहाबी हैरान हो गया, अर्ज की या रसूलल्लाह क्यों नहीं है उनका रोजा? फरमाया आज उन्होंने मुर्दार का गोश्त खाया है, आज उन्होंने लोगों का गोश्त खाया है। अर्ज की या रसूलल्लाह मैं समझा नहीं। फरमाया जाओ दो प्याले लो और उनके सामने रखो, उनको बोलो क्या करें, उल्टी करें। जब उन्होंने क्या किया तो उनके मुंह से खून निकला और खून के लोथड़े निकले, वो प्याले हजूर की बारगाह में पेश किए गए। मेरे आका ने फरमाया देखा, उन्होंने अपने भाई की गीबत की है और गीबत जब कोई करता है तो वो खून का लोथड़ा बन जाता है, वो रोजा नहीं रखता। उन्होंने गीबत करके अपना रोजा खराब कर दिया था। हजरत अंस बिन मालिक फरमाते हैं या रसूलल्लाह फिर अब वो क्या करें? फरमाया उनको बोलो फौरन तौबा कर ले, अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर ले। मालूम हुआ जुबान का भी रोजा, कान का भी रोजा, हमारे हाथ किसी गलत काम की तरफ ना बढ़े, किसी हराम की रोजी की तरफ ना जाए। फरमाया हलाल रिजक कमा के खुद भी रोजा इफ्तार कर, अपने बच्चों को इफ्तार करवा, अल्लाह तुझे आम रोजेदार की नस्बत डबल अजर अदा करवा, दुगना अजर अदा करवा। फरमाया तो अपनी हलाल कमाई से खुद रोजा खोल रहे, अपने बच्चों को खिला रहे, अल्लाह तुझे दुगना अजर अदा करवा इसी तरह फरमाया कि रात को रोजे की नियत की सुबह सहरी के वक्त नहीं उठ सका अब वो बंदा क्या रोजा रखे या ना रखे रात को रोजे की नियत कर ली सुबह सहरी का वक्त चला गया फरमाया कि वो रोजे की नियत उसने रात की अब वो बगैर खाए पिए रोजा मुकम्मल करे उसका रोजा हो जाएगा और एक ऐसा आदमी जिसने सुबह उठा फजर के वक्त उठा, रोजे की नियत कर ली कि मैं रोजा रखता हूँ, पर मैं उसके लिए हुक्म है कि वो ज़वाल के टाइम से पहले पहले रोजे की नियत कर ले और रोजा मुकम्मल करे, उसका रोजा हो जाएगा। फिर इसी तरह एक बंदा सफर के दौरान में अगर वो ये समझे कि मेरे सफर करने से मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, मुफस्सिरीन लिखे ये उस सफर की बात है जब अरब लोग पैदल या घोड़ों पर सफर करते थे, उस वक्त तो रोजा माफ था और दूसरे दिनों में कज़ा की जाती थी, लेकिन अब इस जदीद दौर में सवारियां आलीशान हैं, एयर कंडीशन बसें आ चुकी हैं, बड़ी सहूलतों का दौर आ गया है, इस दौर में उन्होंने लिखा कि अगर हो सके तो मुसाफर भी रोजा रखे क्योंकि वो रोजे के सवाब से महरूम ना हो जाए। अगर ऐसा बीमार है कि सफर भी करना मजबूरी है उसके लिए रुख्सत है कि वो रोजा बाद में कज़ा कर ले। और बाद बंदे ऐसे हैं जो रोजा तो रख लेते हैं लेकिन तोड़ चढ़ाना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए हुक्म है कि अगर वो बुजुर्ग हैं बीमार हैं तो रोजा इफ्तार कर लें, रोजा इफ्तार कर लें, बाद में अगर आसानी समझें तो रोजा रख लें। और बाद ऐसे हैं उनके लिए हुक्म है कि वो फिदिया दें। फिदिया कौन है? फरमाया जो मरीज है, जो दायमुल मरीज है, हमेशा का मरीज, जो समझता है कि पता नहीं मुझे शिफा मिलेगी या ना मिलेगी, मैं ठीक होऊंगा का या ना ना होऊंगा, तंदुरुस्ती मिलेगी या ना मिलेगी, उसको यकीन ही नहीं है अभी अपने, क्योंकि वो तवील अरसे से बीमार चला रहा है, उसके लिए हुक्म है कि वो रोजा छोड़ दे। अगर उसके पास पैसे हैं तो फिदिया अदा करे, अगर पैसे नहीं तो फिदिया ना अदा करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आगे हज़रत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु मुझसे गलती से
जान बुझ के रोजा होते याद होते हुए भी रोजा टूट गया है, इफ्तार करा गया है, मेरे लिए क्या होता है? मेरे आका ने फरमाया 60 मस्कीनों को खाना खिला, या उस वक्त गुलामों का दौर था, 60 गुलाम आजाद कर, या 60 रोजे पैदल पैदल इकट्ठे रखे बगैर नारे के, एक भी छूट गया तो गिनती दोबारा था। 60 रोजे रमजान के बाद आते वो सियाबी परेशान हो गई, अल्लाह इतना गरीब बंदा हूँ, ना गुलाम खरीद सकता हूँ, ना 60 मस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिला सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया बैठ जा। थोड़ी देर गुजरी, एक आदमी आया हुजूर को तोहफा दे गया, खजूरों का टोकरा लेने आया और चला गया। हुजूर तोहफा कबूल फरमाते, सदका खैरात कबूल नहीं करते, ज़कात नहीं देते, तोहफा कबूल करते थे। और ये याद रखिए, सादात को तोहफा दिया जा सकता है, गरीब सैयद हो उसको ज़कात नहीं लगती है, उसको फिदिया फितराना नहीं लगता, गरीब सैयद को तोहफा लग जाता है, अपने हलाल कमाई से ज़कात के अलावा उसको तोहफा दे, मसला भी बता। हुजूर तोहफा कबूल फरमाते, हुजूर ने खजूरों का तोहफा कबूल किया, वो सियाबी दे के चले गए। अब जिस सियाबी से रोजा टूट चुका था, मेरे आका ने फरमाया कि खजूरों का टोकरा उठा और अपने इर्द गिर्द जितने गरीब हैं उनमें तकसीम करते, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। सियाबी दरवाजे तक पहुंचे, वापस आ गए, अर्ज की, या अल्लाह मैंने सोचा कि मेरे से ज्यादा कोई गरीब है नहीं, कोई मेरे पूरे मदीने में मैंने नजर दौड़ाई है, मुझसे ज्यादा तो गरीब ही नहीं। जनाब रहमत अल आलमीन आका ने फरमाया जा, तू खा ले, तेरे बच्चे खा ले, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? जनाब रहमत अल आलमीन, दीन में आसानियां यार। हजरत अली करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैसे अगर कोई बंदा जान बूझ के रोजा तोड़े, उसके लिए हुक्म ये है कि वो 60 रोजे पैदल पैदल रखें लगातार रखें। अगर वो नहीं रख सकता, इतनी ताकत नहीं है, तो फिर वो 60 मिसकीनों को 2 टाइम का खाना खिलाए, यानी सहरी और अफ्तारी करवाए। और आज के इस पुरफितन दौर में मैं आपको बताता हूँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बात पर अमल करते हैं कि रोजा जान बूझ के नहीं रखते, या टूट गया है तो वो कफारा दे दे, ना, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं। एक नौजवान ऐसा था, वालिद साहब के पीछे जुमा अदा कर रहा था, नमाज जुमा के बाद आया, वालिद साहब ने यही मसला बताया जब कफारे वाला, तो वो कहता है हुजूर मुझे माफ कर दे, मेरे से जान बूझ के रोजा टूट गया, ये एक रोजे का कफारा 2 टाइम का खाना, उस वक्त 6,000 का था, ये मैं आपको दे रहा हूँ, 2 टाइम का खाना ये मदरसे वाले बच्चों को खिला रहे हैं, रोजादारों को खिला रहे हैं। तो आपने फरमाया ये वाहिद बंदा है जो अपने आप इकरार कर रहा है कि मुझसे रोजा टूट गया और मैं उसका कफारा दे रहा। तो रोजा जो फर्ज है ना, उसकी फर्जियत को समझिए। फरमाया कि हाली फिदिया देने से भी रोजा टलता नहीं है, उसको भी अदा करना है, बाद में रोजा रखे, क्योंकि कुरान का होगा। मैंने भी कोई मौला मौला की कहानी तो नहीं सुना रहा, कुरान कहता है वान तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फरमाया कि अगर तुमने फिदिया दे दिया है, मिस्कीन को खाना खिला दिया है, तो बात खत्म नहीं हुई। फरमाया जब तुम सेहत याब हो जाओ, अपने आप को तंदुरुस्त समझो, ताकतवर समझो, बाद में तुम रोजे की कदा भी करो, वान तसूमू रोजा कदा करो, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम इस बात को समझ सको जान लो, बाद में रोजा रखा जाए। तो ये दोस्तों बात बंदों ने मसला पूछा कि रोजे का फिदिया कितना है, 2.25 सेर गंदम या आटा, इसकी कीमत का अंदाजा लगा लें, क्योंकि हर बंदा मुख्तलिफ आटा इस्तेमाल कर रहा है, इस कोई अच्छा कीमत वाला, कोई कम कीमत वाला, इसका मैं नहीं अंदाजा लगाता। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि शरीयत ने जो हुक्म दिया है, 2 किलो 100 ग्राम आटा या गंदम, इसकी कीमत का अंदाजा लगा लें, कोई 300 दे रहा है, कोई 350 दे रहा है, अगर ज्यादा दे सकता तो बेहतर है। ये रोजे का फिदिया भी है और फितराने की भी यही कीमत है। जो बंदा रोजा नहीं रखता या फितराना देना है जिसने, वो इस कीमत के हिसाब से फितराना ना करे, कोई ज्यादा देता तो ज्यादा भी, और इन पैसों से किसी गरीब को रोजा इफ्तार करवा दे और ज्यादा सवाब करवा दे। और फितराना और फिदिया जो है रमजान के अंदर जल्दी जल्दी अदा कर दिया जाए, ताकि आप उन पैसों से गरीब रोजा इफ्तार कर सके और आपको उसका सवाब मिले। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अंदर मस्जिद के भी जगह मौजूद है, और खुतबे से पहले कोशिश किया करें सफेद कुर्ता में, नीचे बेसमेंट में भी जगह मौजूद है, जो हजरात भाई तंग बैठे हैं अभी से नीचे आ गया।
फिर उसके बाद सुनते हैं।